हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सालनी ब्लॉक में आप लोग का स्वागत है। इस समय अभी हम खाना वाना की तैयारी जो कर रहे हैं बना रहे हैं। और इस समय अभी हम देखिए ये सुखा लिए हैं। ये है बादाम है, काजू है, मूंगफली का दाना है, अरहर की दाल है, लाल मसूर की दाल है, और वो क्या कहते हैं कि मूंग की दाल है, लाल मसूर की दाल है, और चने की दाल है, और क्या है, चावल है। इसको हम भिगो के मतलब धो के भिगो लिए हैं, फिर उसको अच्छे से सुखा लिए हैं भैया का सल्लेक। और फिर सुखाने के बाद कढ़ाई में हल्का सा हल्का सा भून लिए हैं। और ये देखिए एकदम ठंडा भी हो गया। अब इसको हम जाएंगे पीसेंगे एकदम महीन। बना रहे हैं हम सारांश का सैलेक। देखते हैं ये होममेड सैलेक बना रहे हैं, अगर उसको पसंद आएगा खाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं मार्केट से मंगाऊंगी, क्योंकि इसके 6 मंथ चल रहे हैं। अभी हमने कुछ उसको खिलाया नहीं है। आश्रम में ही उसका महाराज जी ने उसका आश्रम में ही जब हम लोग मुंडन कराने गए थे अन्नप्राशन कर दिए थे, क्योंकि उस समय 6 मंथ लग गया था, तो 5 कंप्लीट हो गया था। अब उसका 6 मंथ चल रहा है, तो हम सोचे पहले घर में बना के देखें, अगर खा ले रहा है घर वाला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मार्केट से मंगा खिलाएंगे। तो ये हम अब इसको जा रहे हैं हम पीसने। इसको हम जार में डाल लेते हैं। कढ़ाई बिल्कुल भी ठंडी हो गई, क्योंकि हम इसको तब से ही भून चुके थे और ठंडा होने के लिए रख दिए थे। तब से कहे थे सारा को मालिश वगैरह करिए, तो अब इसको हम पीस लेते हैं। एकदम महीन पीसना है और इसको ऐसे ही हम बना के रख देंगे। तो चलिए पीसते हैं। ये देखिए एकदम ही महीन हमने इसको पीस लिया है और इसको एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे। मतलब जब बनाना होगा तो 1 चम्मच, अभी तो छोटे हैं बहुत ज़्यादा खाने, आधा चम्मच बड़ा वाला या 1 चम्मच ही हम उसको पानी में पका के खिलाएंगे, दूध में नहीं, पानी में उसको पका खिलाएंगे। तो चलिए इसको डिब्बे में रख देते हैं। और ये आप काफ़ी दिन तक मार्केट से अच्छा है कि घर में बना खिलाइए, अगर डुबू खाएंगे तो मैं घर वाला ही बना के खिलाऊंगी। आप उसको अच्छे से स्टोर करके रख दीजिए। ये देखिए तैयार हो गया सैलेड। अब इसको हम रख देते हैं, जब डुगो को खिलाना होगा तो बना के खिलाएंगे, तब तो आप लोग को दिखाएंगे।